अरे वारिस आ गई भाई। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। पटना में मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है और कैमरा ना उठाने का मन करते हुए भी क्या मैंने कैमरा उठा लिया है कि एक दिन ब्लॉग नहीं गया, दूसरे दिन तो जाना ही जाना है। पहला वाला जो ब्लॉग था उस पर आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए, सपोर्टिव कमेंट, रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोग मेरी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस अभी भी जारी है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन स्लॉट खाली नहीं मिल पा रहा है। ज़बरदस्त वाला मौसम हो रखा है यार। अभी सुबह सुबह आज बारिश हुई है, 6 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी, आधे घंटे तक बारिश हुई और उसके बाद रुक। जब फिर से एक बार मौसम बदला है तो मैं फिर से आ गया हूँ अपनी बालकनी में और यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। ज़बरदस्त वाली लहरें उठ रही हैं गंगा में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो आप, जब कोई काफ़ी आराम से किसी चीज़ का मज़ा ले रहा होता है ना तो उसको डिस्टर्ब करने में बहुत मज़ा आता है। ये देखो वहाँ पर मज़े ले रही हो बारिश, क्या देख रही है तुम? अरे खटपट खटपट का जो शोर हो रहा है ना उसको प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे काम होते रहते हैं। क्या कह रही हो, छत पे? चलो चलो चलो। तो अभी शहनाज का मन कर रहा है ना छत पे जाने का, तो मेरे को भी अंदर से मन हो गया भाई छत पे जाने का, क्योंकि मेरा अभी मन कर रहा था कि यहाँ पर मैं बैठूँ थोड़ा देर तक चेयर पर, लेकिन अभी छत पर चलते हैं। चलो देखते हैं, मौसम का एंजॉय करते हैं। भाई जब कभी भी किसी भी पल हो सकती है बारिश बहुत जोरों वाली। जरा बादल तो देखिए आप, तो ये वाला जो फ्रेश एयर है ना आपको यही फील होगा और कहीं पटना में फील नहीं हो सकता है। माय गॉड, नदी देखो, नदी देखो, तो ज्यादा ही खूबसूरत नहीं लग रहा है? कितना खूबसूरत लग रहा है तुमको? एकदम बवाल लग रहा है, बवाल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं छत के ऊपर और अगर हवा की वजह से आवाज थोड़ी कम जा रही होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज। ये देखो आप, वहाँ पर जो गंगा नदी है ना एकदम जबरदस्त वाली उफान पर है और लहरें उठ रही है बहुत तेज वाली। और वो देखो अपना ब्लॉगिंग शुरू हो गया इसका। जब भी मौसम बदलता है तो इनका अपना ब्लॉगिंग शुरू हो जाता है। राहत लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो रोजा, उसके बाद इतना अच्छा मौसम बदल जाना तो बहुत ही मजा आता है और फिर आप मौसम को एंजॉय लेते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बारिश किसी भी पल आ सकती है, पूरा अंधेरा हो चुका है, पूरा अंधेरा हो चुका है। ओ ब्लॉगर, बारिश आ गई, भागो। तो भाई साहब अभी आ गई बारिश और हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे, लेकिन थोड़ा सा वेट अभी कर सकते हैं ना। पानी की जो बूंदे है ना, देखो अब कैसी लग रही है अभी। अरे बारिश आ गई भाई। और अभी जो है ना बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है और शहनाज लगभग हल्का हल्का भीग गया तू। ये देखो आप बारिश, अब बारिश देख लो आप। बारिश हो रही है ना बहुत तेज। आज कितने दिनों बाद बारिश हुई है तो मैं और रीदा और मेरी पूरी फैमिली मजे ले रही है ना। तो गाइस पटना में मौसम तो बहुत ही अच्छा है यार, अल्टीमेट वाला मौसम है और हम लोग अभी ऑफिस से घर लौट रहे हैं। कुछ जरूरी काम है जो आपको करने चाहिए, जैसे कि मैं कर लेता हूँ। दीज आर द एनिमल्स। और यार लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा भूखे यही लोग हैं। खालो 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 खालो। जब भी आपको मौका मिले तो इनका ख्याल जरूर रखिए यार। देखिए कुछ है नहीं इस दुनिया में, लॉकडाउन का टाइम है, इन सबको कोई देखने वाला है नहीं, तो फिर आपको क्या करना होता है ना, आपको जब भी मौका मिले तो कुछ इनके लिए भी वक्त निकालो। और जब नॉर्मल डेज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्मल डेज में तो इनको सभी कोई खाना खिला देते हैं, लेकिन ऐसे इनको कोई पूछने वाला होता नहीं यार। अगर आपके कुछ करने से इनका भला हो जाए, थोड़ा सा कुछ खा ले यार, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो फिलहाल अभी हम लोग गांधी मैदान के पास हैं और अब जो है कि यहाँ से निकल रहा है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ ना, ये देखो पीछे पीछे आ रहा है भाई। अभी पीछे पीछे मत आ भाई, अभी खाया ना तूने? खाया ना? और खाएगा, और खाएगा, ले खा ले।
ये देखो अभी पीछे पीछे आ रहा है। तो मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो दो चार पैकेट बिस्किट्स वगैरह रख लेता हूँ पास में, कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। अभी यहाँ से निकल रहे हम लोग, यहाँ पे इतने लोग जुटे हुए हैं यार, सारे मजदूर हैं जो यहाँ पर फंसे होंगे शायद। अब जानवर हो क्या, जानवर जो होते हैं ना उनको प्यार चाहिए होता है। हाँ अच्छा, सब जमा करके। चलिए भैया बोल रहे हैं कि इनके डर से कोई नहीं आता। तो हम और आप तो कहीं से भी खाना जुटा लेंगे, लेकिन जानवर जो होते हैं उनको खाना कौन देगा? जो कूड़ा कचरा फेंका जाता है सड़कों के ऊपर तभी तो वो लोग खाते हैं ना। लेकिन आजकल लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि कूड़ा कचरा भी नहीं फेंक रहे हैं, तो उन लोग खाएंगे क्या? सभी लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग अभी घर निकल रहे हैं भाई। जस्ट लुक एट दिस, क्या हाल हो रखा है। ईद कल होने वाली थी लेकिन ईद कल नहीं होगी, क्योंकि सऊदी अरब में एक दिन पहले ईद होती है और उसके बाद इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में ईद होती हैं। लेकिन कल सऊदी में ईद नहीं हुई है, मतलब कि 29 का रोज़ा नहीं है, 30 का रोज़ा इस बार मिल रहा है हम लोग को, और बहुत अच्छी बात है कि चलो रमज़ान एक दिन और सही। ईद के टाइम में भाई साहब ये जगह जहाँ हम लोग चल रहे हैं, बस वही लोग समझ सकते हैं जो यहाँ पर कभी आए होंगे। इतना ज़्यादा रश रहता था, खास करके कल चांद रात है और चांद रात से एक दिन पहले तो पूछिए ही मत कितना ज़्यादा रश होता था यहाँ पर। बहुत लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे मुझे कि सब्जी बाग सब्जी बाग सब्जी बाग, तो लो भैया सब्जी बाग भी देख लो, अब खाली है बिल्कुल, पूरा वीरान बंद पड़ा है। तो चलिए भैया अभी ये हाल है पटना का, और हम लोग चलते हैं अभी घर का हाल दिखाने के लिए, क्योंकि घर भी जाना ज़रूरी है। अभी आज मैं घड़ी भूल गया पहनना, पता नहीं कितना वक्त हो रहा है, मेरे हिसाब से अब 6 बजने वाले होंगे शायद। तो आपसे मिलते हैं सीधे घर पर। फाइनली हम लोग अभी घर पहुंच चुके हैं। क्या बोल रहा है, तूने किया क्या? मैंने इसको कलर किया। टेडी को? ये पहले से ही ऐसे ही था, झूठ बोल रहा तू। नहीं, नहीं। मास्क लगाओ, पहले मास्क लगाओ तुम। नहीं, मैं पहले से नहीं था। पहले से ही था। मैंने किया है, मेरी पेंटिंग जाके देख लो कितनी अच्छी है। रुक जा भाई, मैं भी आ रहा हूँ, लाइट तो जला ले। मेरी बाइक की आवाज़ सुन के डुग्गू फटाक से नीचे आया था गेट खोलने के लिए। सो आज का काम फिनिश हो चुका है यार, और फाइनली वी रीच्ड होम। होम तो होम होता है, घर आकर के जो बात है ना वो कहीं और नहीं हो सकती है। अभी देखना किचन में शहनाज होगी। हाय शहनाज, क्या कर रहे हो? वाले सलाम, क्या कर रहे हो? ओहो खुशबू इतनी आ रही है, पुलाव दिखाओ जरा अपना पुलाव। अभी जस्ट डाला ही है क्या? ओके वाह रे वाह, तुमने सैनिटाइजर से हैंड वॉश दे दिया, हद है यार। अरे तुम्हें जानबूझ के दिया था, मजाक किया था। हाय बीवी, हाय, तुम क्या कर रहे हो? हाय बीबी बीबी, बहुत हैप्टिक दिन था यार, बहुत भागा दौड़ी वाली। ओके नहीं ठीक है ठीक है, हैंडशेक करो हैंडशेक करो हैंडशेक करो, तो चल कर लो कर लो। लड़की तुम कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? हाँ रेदु की स्माइल आपने देखी है ना, शहनाज के व्लॉग में ज्यादा देखते होंगे, और मेरे व्लॉग में कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन लेकिन इसकी जो स्माइल है वो ऑलवेज बहुत प्यारी है। ये मुझे परेशान करने के लिए आया, बोलो हाय। हम लोग आ चुके हैं अब शहनाज के किचन में, और शहनाज अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बना रही थी, लेकिन मुझे ड्यूटी मिली ना कि मुझे तरबूज काटने, हमेशा ये ड्यूटी दे देती है, क्या करूँ मैं। पीछे आपको दिख रहा होगा किचन हमारा, और यहाँ पे सारा सामान लाया जा रहा है, तरबूज ऑलरेडी हम यहाँ पर ला चुके हैं, और इसको भी काटना है। यार तुम पीछे नहीं छोड़ोगे क्या तुम मेरा? ये होता है प्यार, देखो आप रीदा का प्यार देखो। हाँ और ये अभी तरबूज काटने में हमारी हेल्प करने वाली है, ये अभी तरबूज काटने। हाँ रीदा तरबूज को क्या बोलती है? तबलूज तबलूज। वो
तो भाई अभी तरबूज काटने का जो काम है इसको पूरा करने के बाद हम लोग मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अब जो है कि वक्त है व्लॉग को काटने का, तो मैंने व्लॉग काट लिया अपना, लेकिन हमने एक वादा किया है एक दूसरे से कि जो भी काम करेंगे वो मिल बांट कर करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो वो देखिए उनका काम है व्लॉग का रिव्यू करना, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, और वो वही काम कर रही है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा यार, एक दिन में तीन तीन टाइप के मौसम देखने को मिले। पहले सुबह में बारिश हुई, फिर धूप निकल गई, फिर उसके बाद फिर ज़बरदस्त वाली बारिश हुई, और उसके बाद जब हम लोग बाहर काम के लिए निकले थे तो उस समय बहुत तेज़ वाला धूप निकल गया, और फिर शाम में आकर के फिर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। फिलहाल आज रात में ये हाल है, ये देखिए फ़ैन भी चला नहीं पड़ रहा, फ़ैन भी बंद है हमारा, और यहाँ पर अभी इसके बाद अब इनका काम शुरू होगा व्लॉग एडिट करने का। फिलहाल वो व्लॉग देखा जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है, जो कल आप लोग देखने वाले हैं। तो भाई साहब कमेंट करके ये बताइए कि आखिरकार आपको व्लॉग कैसा लगा, और बस यही चल रहा है भाई साहब। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, और सबका ख्याल रखिए अपने घर में, और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए, और इसका भी ब्लॉग देख लीजिए कल वाला, बहुत ज़बरदस्त होने वाला। तो चलिए फिर आपको भाई साहब मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।